अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं फैमिली को शॉपिंग करने के लिए। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ, फाद गए हुए हैं एटीएम कुछ टका शका उठाने। बांग्लादेश में टका चलता है, बहुत से लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता तो उन्हें आज पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में टका चलता है। और यहाँ का टका पाकिस्तान का डबल ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका हुआ है। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब डबल था, लेकिन अब ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया हुआ। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी मतलब फ़ायदे में हो जाता है। जो हम जो लोग यहाँ पे आके कमाते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग अगर एक रुपया भेजेंगे तो वहाँ पे अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई से ज़्यादा ही हो जाता है। सो इसके साथ साथ हम लोग जा रहे हैं गुलशन टू जाके बंदे को लगता है कि हम कुछ डिफरेंट जगह पे आ गए हैं। और हम लोगों ने कुछ चीज़ें फ़ैन के लिए, उसके बाद हम लोग आर्टिज़न आए हैं। आर्टिज़न में मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता थी, लेकिन ये उस दिन जाके पता चली है कि फॉरनर को 15% ऑफ होता है। जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा कि ओवरऑल पूरे बांग्लादेश में जहाँ पर भी आर्टिज़न की ब्रांच है 15% ऑफ मिलेगा उनको जो फॉरनर होंगे। और इसके साथ मैंने एक शर्ट पसंद की, मैंने शर्ट ली तो तब हम लोग गए हैं रिसेप्शन पे तो उन लोगों ने बताया। फिर हम लोगों ने सोचा फैन का एक और सूट भी ले लेते हैं। फिर हम लोग वापस गए और फैन का एक और सूट लिया। उसके बाद हम लोग गए यूनिमार्ट से हम लोगों ने विंडो शॉपिंग की। और यहाँ इसके यूनिमार्ट पे इसके दाम बहुत ही ज़्यादा हैं। जो चीज़ हमें बाहर नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है यूनिमार्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और प्लस वैट भी था। सो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की। और इनका एक स्टार्ट वाला सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने अपने सामान के लिए एक लॉकर दिए हुए थे। मतलब हम लोग लॉकर की कीज़ वो लोग दे रहे थे और हम लोग अपना सामान जो भी हम लोगों ने परचेजिंग की होती है, मतलब इंटर होने से पहले जो भी हमारे पास सामान है हम लोग लॉकर के अंदर रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और उसकी की हमारे पास रहेगी। और हम लोग सारी शॉपिंग वगैरह करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो तब इनको की वापस कर देंगे, अपना सामान ले लेंगे। ये चीज़ यहाँ की मुझे अच्छी लगी थी। और हम लोगों ने ज़्यादा कुछ तो खैर नहीं लिया, हम लोग जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए गए थे। बट मैंने आइसक्रीम खाई थी, क्योंकि आइसक्रीम हो, सर्दियां हो और मारिया ना खाए ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान में भी जब हम लोग थे तो ऐसे ही होता था कि सर्दियां होती थी और हम लोग मस्त आइसक्रीम खाते थे। बट यहाँ बांग्लादेश के कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हैं। यहाँ के लोग सर्दी में मतलब समझते हैं कि ठंडे खाने से ज़ुकाम हो जाएगा, बट पाकिस्तान में तो हम लोग इसको बहुत इंजॉय करते होते थे। सर्दी में रात को कॉफ़ी पीने का भी अपना ही मज़ा है और रात को आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मज़ा है। हम लोग यहाँ से अपना काम कंप्लीट करके वापस जा रहे थे, तो फिर हम लोग को खाने का हम लोग सोच रहे थे तो आप ही की कॉल आ गई, क्योंकि आप ही की आज एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है। तो उन्होंने फिर हम लोगों को इनवाइट कर लिया डिनर के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ से वापसी पे डिनर पे जा रहे थे। और यहाँ से जाते जाते मैं आप लोगों को एक और चीज़ शेयर करूँ। गुलशन से वापसी पे आते हुए यहाँ पे सारी एम्बेसीज बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट सारी मुल्क की हैं। पाकिस्तान की थोड़ी यहाँ से दूर जाके है, बट ये बाकी सारी एम्बेसीज जो हैं हमारे इसी रास्ते पर ही आती हैं, यहाँ से पास में ही पड़ती हैं, हमारे बशुंडा के पास में पड़ती हैं। और फिर हम लोग आ गए सॉल्ट एंड बटर। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने आप ही की एनिवर्सरी का खाना यहीं से ही खाया था। और आते ही फ़ियान साहब को माशाल्लाह से अम्मा के साथ चिपकना था और लाडियाँ करा रहा था, रो नहीं रहा था, बस जानबूझ के रो रो के दिखा रहा था। तो इतनी देर में फिर हम लोगों का ऑर्डर भी आ गया। हम लोगों ने पहले सूप ऑर्डर किया था, सूप और साथ में ऑनथन ऑर्डर किए थे। और हॉट एंड सोर सूप मैंने बहुत ढूंढा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलता। पाकिस्तान का जो सूप है वो मैं सर्दियों में बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली कहीं पर भी हम जाते हैं ना तो वहाँ पर हम लोगों को हॉट एंड सोर का सूप बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ढूंढा कहीं पे भी नहीं मिलता, तो इसीलिए गुजारा करना पड़ता है। इनका ये जो सूप है इसी के साथ मैं ये अब पीना शुरू हो गई हूँ, पहले नहीं पीती थी। उसके बाद हम लोगों का ऑर्डर भी जल्दी आ गया था तो हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी खाना भी खा लिया था। खाना लास्ट टाइम के हिसाब से ज़्यादा अच्छा इन सबको पसंद नहीं आया था, तो नॉर्मल था और ज़्यादा रश भी नहीं था, शायद इस वजह से क्या सीन था। तो खाना हम लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, टेस्ट इनका ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो हम लोगों ने वहीं पे डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकले और फैन साहब को सर्दी की वजह से उन्होंने पेटियाँ मारी हुई हैं, और घर आके मैंने अंडा बॉयल किया और चाय पी, क्योंकि बाहर से आए थे तो सर्दी लग रही थी। और इस तरह के मौसम में अंडा और चाय का अपना ही मज़ा है। और फिर हम लोग फैन के लिए पैसे फेर लेके आए थे, क्योंकि फैन कपड़ा मुँह में लेता है या हाथ मुँह में लेता है, तो हम लोग आते हुए पैसे फेर लेकर आए थे। और इसके साथ ही आप मेरी और फैन की वीडियो एंजॉय करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।